लालची ऑटो रिक्शा रिस्टोरेशन वाला। दरियापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पंकज नाम का एक ऑटो मैकेनिक रहता था। पंकज के हाथों में कुछ ऐसा जादू था कि अगर कोई भी ऑटो कितना भी खराब होकर आए तो उसे वो ठीक कर देता था। लेकिन उसके इस हुनर का वो बहुत फायदा लेने लगा था। एक दिन एक आदमी अपना खराब ऑटो लेकर उसके पास आता है और पंकज से कहता है, अरे भाई पंकज, मेरे इस ऑटो को क्या हुआ पता नहीं, जरा एक बार देखो तो। हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बताने के 1000 रुपए लूंगा मैं, मंजूर है तो बोलो। अरे बाप रे, सिर्फ प्रॉब्लम बताने के ही 1000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा है तो जाओ दूसरे मैकेनिक के पास, मैंने क्या मना किया है। आदमी बहुत सोचता है। पंकज के सिवा गांव में कोई भी मैकेनिक ऐसा नहीं था जो उसका ऑटो सुधार सके, इसलिए वो मान जाता है और ठीक है कहता है। ये सुनकर पंकज उस आदमी के ऑटो को देखने लगता है। कुछ ही देर में वो ऑटो का प्रॉब्लम बताता है और 1000 रुपए ले लेता है, लेकिन बाद में उसको ठीक करने के भी वो अलग पैसे लेता है। इस तरह पंकज लोगों को लूटने लगा था। जाते जाते वो आदमी उसे कहता है, तुम बहुत लालची हो गए हो पंकज, तुम हमारा फायदा ले रहे हो। अरे इस जीवन में हर कोई किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी का फायदा तो लेता ही है। मैं अपने हुनर का फायदा लेता हूँ तो इसमें क्या गलत कर रहा हूँ। आया बड़ा, चल जा। इस तरह पंकज गए गुजरे ऑटो को भी ठीक करता और लोगों से पैसे लेता। लेकिन कुछ दिनों से उसने पुराने ऑटो को रिस्टोर करके बेचने का भी काम शुरू कर दिया, जिसमें उसे बहुत फायदा होने लगा। लेकिन पंकज उसमें भी फ्रॉड करने लगा। वो रिस्टोर करने के नाम पे ऑटो को सिर्फ पेंट करता और उसे बेचने लगा। इस तरह उसने बहुत जल्द ही ढेर सारे रुपए कमाए। एक दिन उसके पास तिवारी नाम का एक आदमी आता है और वो कहता है, पंकज जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक अच्छे मैकेनिक है और खराब से खराब ऑटो को भी आप सुधार सकते हैं। जी हाँ, एकदम ठीक सुना आपने। कहिए क्या काम है। देखिए, मैं एक ऑटो खरीदना चाहता हूँ जो शहर में है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो उस ऑटो की कंडीशन देखकर बता सकते हैं कि वो ऑटो मुझे खरीदना चाहिए या नहीं। पंकज ये बात सुनकर सोचने लगता है, अरे ये तो बड़ा अच्छा बकरा फंसा है, इसको तो मैं अच्छे से लूट सकता हूँ। क्या हुआ पंकज जी, इतना क्या सोच रहे हैं? ठीक है तिवारी जी, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन उसकी अलग से फीस लूंगा मैं। तिवारी मान जाता है और पंकज उसके साथ शहर में उस ऑटो वाले के पास जाता है। ऑटो देखकर पंकज कहता है, अरे ये तो एक बेकार ऑटो है, इसके इंजन का बहुत ज्यादा काम है, टायर भी पुराने हो चुके है, और तो और इसका पावर प्लग भी बदलना पड़ेगा, इसे लेने में कोई फायदा नहीं। ऐसा कहकर पंकज तिवारी को बेवकूफ बनाता है। लेकिन तिवारी उसे कहता है, देखिए पंकज जी, आपने मुझे उस ऑटो वाले फ्रॉड से बचाया, लेकिन मुझे किसी भी तरह नया ऑटो लेना है और जल्द से जल्द काम शुरू करके अपनी बीवी और बच्चे को मायके से पैसे कमा कर वापस लाना है, नहीं तो मेरा ससुर हमारा तलाक करवा देगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक ऑटो है, उसे मैं तैयार करता हूँ, तुम उसे 3 लाख रुपए में खरीद लेना। तो फिर ठीक है, 2-3 दिनों में मैं पैसे लेकर आता हूँ। यह कहकर पंकज अपने गांव वापस चला आता है और इधर गांव में पड़े हुए भंगार ऑटो को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक तालाब के पानी में पड़ा हुआ ऑटो दिखता है जो कई सालों से वही पड़ा हुआ रहता है। पंकज उसे अपने गैराज में लेकर आता है, लेकिन रिस्टोर करने के नाम पर उसको सिर्फ अच्छे से पेंट करता है और उसे एकदम चकाचक नए जैसे बनाता है। वो ऑटो ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से पूरा सड़ा हुआ रहता है। ऑटो को तैयार करके पंकज दूसरे दिन तिवारी का इंतजार करता है। थोड़ी देर में तिवारी आता है, ऑटो को देखकर वो कहता है, अरे वाह पंकज जी, ये तो कमाल का ऑटो है, ये लो 3 लाख रुपए। तिवारी 3 लाख रुपए देकर वहां से ऑटो लेकर चला जाता है और शहर में ऑटो चलाने लगता है। लेकिन वो ऑटो दूसरे दिन से ही प्रॉब्लम करने लगता है, वो बहुत ज्यादा पेट्रोल पीता है, उसका कार्बोरेटर खराब होता है। ये देखकर तिवारी बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है, हाय रे मेरी किस्मत, ये पंकज भी धोखेबाज निकला, सड़ा हुआ ऑटो थमा दिया मुझे, अब तक मैं 1 रुपया भी नहीं कमा सका, मेरी शादी को टूटने से अब कोई भी नहीं बचा सकता, और ये सब इस ऑटो की वजह से हुआ। ऐसा कहकर तिवारी जोर से उस ऑटो को लात मारता है और वो ऑटो पलट जाता है। जैसे ही वो ऑटो पलटता है, उसके पेट्रोल टैंक से हीरे गिरने लगते हैं
ये देखते ही तिवारी बड़ा खुश होता है। उन हीरो को वो एक डायमंड मर्चेंट के पास बेच देता है और एक नया ऑटो लेकर अपने बीवी को घर ले आता है। अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस। मधु नाम का एक लड़का बहुत गरीब था। वो कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता, जिस वजह से उसका एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से वो परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए एक दिन एक नदी के तरफ जा रहा था। वो नदी से कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे एक पेड़ से आवाज आती है। ये करने से तुम और दुखी हो जाओगे बेटा। कौन है, कौन बोला? ऐसे अपने जीवन से मत हारो बेटा। अरे तुम कौन हो, सामने आओ। वो एक पेड़ होता है। वो मधु के सामने आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक घर चाहिए जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, एक ऐसा ड्रीम हाउस जो मुझे समझ सके। ठीक है बेटा, तथास्तु। ऐसा कहते ही मधु के सामने से वो पेड़ गायब हो जाता है। जोर की हवा आने लगती है और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। तभी उसे एक सुरंग दिखाई देती है। मधु उसके अंदर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस दिखता है। उसे देखकर मधु बहुत खुश होता है और कहता है, अरे ये तो सच में एक ड्रीम हाउस है, थैंक यू वेरी मच पेड़। ऐसा कहते ही मधु को फिर से वो आवाज आती है, लेकिन वो पेड़ उसे नहीं दिखता। वो पेड़ कहता है, लेकिन तुम्हारी बस इतनी ही इच्छा हो सकती है, इस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? क्योंकि तुम इंसानों की इच्छाएं बहुत अनंत होती है, जो खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक दूसरी इच्छाएं आती ही रहती है ना। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? अगर तुमने इसे साबित कर दिया तभी मैं तुम्हें वो अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस दे दूंगा। ठीक है, यहाँ खड़े होकर किसी का इंतजार करते हैं। यहाँ पर जो भी इंसान आएगा उसे मैं लालच दूंगा, वो यहाँ तक आता है या नहीं वो देखते हैं। और एक भी इंसान अगर ऐसा निकला तो मैं समझ जाऊंगा कि सारे ही इंसान लालची है और मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है। ऐसा कह के वो पेड़ मधु के सामने प्रकट होता है और दोनों किसी के आने का इंतजार करते हैं। तभी वहां पर एक व्यापारी आता है। मधु उसे जाकर कहता है, अरे भाई थोड़ा इधर आना तो, देखो वहाँ एक अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस है, वहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी, चलो मिलकर उसका आनंद लेते हैं। व्यापारी मधु के बताए हुए अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस में जाता है। वहां पर उसे ढेर सारे रुपए दिखते हैं। वो मधु की ओर खुशी से देखता है और कहता है, इन रुपयों से तो मेरा पूरा महीने भर का टारगेट ही पूरा हो जाएगा। मधु व्यापारी की ओर देखते ही रहता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यापारी खुशी के मारे पागल होकर उस अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस में चला जाता है। मधु कहता है, अरे मुझे और भी कुछ कहना था, इतना लालची क्यों हो तुम, अंदर ही चले गए। मैंने कहा था ना तुम इंसान लालची हो। ठीक है लेकिन ये तो एक ही आदमी है ना, और भी आएंगे, जरा देखो। तभी उसके सामने एक आलसी आदमी आता है। मधु उसके पास जाकर कहता है, अरे आलसी भाई देखो वहाँ एक अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस है, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, तो ही तुम्हें वो अंडरग्राउंड हाउस मिलेगा। अरे मैंने आज तक काम नहीं किया भाई, और ना ही कभी करना है, नहीं चाहिए तुम्हारा अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस, रखो उसे अपने पास। ऐसा कहकर वो आलसी आदमी वहां से चला जाता है। मधु उदास होकर कहता है, शायद मुझे तुम्हारी बात माननी ही होगी कि सारे इंसान एक जैसे ही है, अपना स्वार्थ ही ढूंढते रहते हैं। ऐसा कहकर मधु वहां से अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस में चला जाता है और वहां बैठा रहता है कि तभी उसका दोस्त उसे ढूंढते हुए आता है। मधु कहता है, अरे पेड़ वो जो आ रहा है वो मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे अब डर है कि वो भी बाकी इंसानों के जैसा ही ना निकले, इसलिए अब आप ही उससे बात करो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त भी सबके जैसे निकला तो मैं गायब हो जाऊंगा और ये अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस भी गायब कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा निकला तो मैं चला जाऊंगा और ये अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस तुम्हें ही दे दूंगा। ऐसा कहकर पेड़ मधु के दोस्त के पास जाता है और उसे अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस के बारे में बताता है। लेकिन उसका दोस्त कहता है, अरे रहने दो तुम्हारा अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस तुम्हारे पास ही, मुझे मेरे दोस्त को ढूंढना है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सुबह से, वो नाराज होके सुसाइड करूंगा, ऐसा कह के चला गया है। मेरे लिए मेरे दोस्त की दोस्ती ही काफी है,
नहीं चाहिए तुम्हारा ड्रीम हाउस। ये सुनकर वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है और गायब हो जाता है। उसके बाद मधु अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस से बाहर आता है और उसे अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस के बारे में बताता है। और उस दिन से मधु और उसका दोस्त उसी अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस में जाकर उन्हें जो कुछ चाहिए वो मांग लेते हैं।